हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम समझेंगे कि सीपीयू क्या है, व्हाट इज सीपीयू या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है. तो ये जो टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये वाला टॉपिक इग्नू के कंप्यूटर साइंस में पूछा जाता है. तो इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस इग्नू के कंप्यूटर साइंस में पूछे जाते हैं. तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें. तो चलिए देखते हैं कि सीपीयू क्या है. तो सीपीयू इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर. तो सीपीयू जो है वो एवरी कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज ऑल्टरनेटिवली रेफर टू एज ए प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर ETC. तो सीपीयू को जो है ऑल्टरनेटिवली जो है रेफर किया जाता है. कभी कभी इसको प्रोसेसर बोल देते हैं, कभी कभी इसको सेंट्रल प्रोसेसर बोल दे देते हैं और कभी कभी इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं. तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो इसको जो है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इट प्रोसेस ऑल द वर्किंग्स ऑफ द कंप्यूटर. क्योंकि ये कंप्यूटर के सारे वर्किंग्स को एक साथ प्रोसेस करता है. तो द सीपीयू कंटेन्स एटलीस्ट वन प्रोसेसर. तो एक सीपीयू के अंदर कम से कम एक प्रोसेसर तो होता ही होता है, विच इज द एक्चुअल चिप इनसाइड द सीपीयू. और प्रोसेसर जो है सीपीयू के अंदर एक चिप होती है दैट परफॉर्म्स बेसिक एरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम. तो प्रोसेसर जो है सीपीयू के अंदर एक चिप होती है और वो चिप जो है बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करती है. जैसे कोई वैल्यू ऐड करनी है, सब्स्ट्रैक्ट करनी है, डिवाइड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो इस तरह के जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो प्रोसेसर परफॉर्म करता है. वो चिप जो उसके अंदर होती है सीपीयू के अंदर, वो चिप परफॉर्म करती है. लॉजिकल ऑपरेशंस को ये चिप परफॉर्म करती है. कंट्रोलिंग वाला सारा काम ये प्रोसेसर करता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी ये प्रोसेसर परफॉर्म करता है. जब हम प्रोग्राम के थ्रू जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं एज एन इनपुट, तो इसको क्या करता है सीपीयू, क्या करता है प्रोसेसर, इसको आगे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके एज एन आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है. तो ये प्रोसेसर जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को भी कंट्रोल करता है. फॉर मेनी इयर्स, काफी सालों से मोस्ट सीपीयूज ओनली हैड वन प्रोसेसर. तो काफी सालों से सीपीयूज में केवल एक ही प्रोसेसर आता था, बट नाउ इट इज कॉमन फॉर ए सिंगल सीपीयू टू हैव एटलीस्ट टू प्रोसेसर्स और प्रोसेसिंग कोर्स. लेकिन अब जो है एक सिंगल सीपीयू में कम से कम दो प्रोसेसर या दो प्रोसेसिंग कोर्स तो आते ही आते हैं. ए सीपीयू विद टू प्रोसेसिंग कोर इज कॉल्ड ड्यूअल कोर सीपीयू. तो एक सीपीयू के अंदर अगर दो प्रोसेसर है, दो चिप है, तो उसको ड्यूअल कोर का कंप्यूटर बोलेंगे, ड्यूअल कोर का सीपीयू बोलेंगे. एंड मॉडल्स विद फोर कोर्स आर कॉल्ड क्वाड कोर सीपीयूस. और अगर एक सीपीयू के अंदर जो है चार कोर्स है या फिर चार प्रोसेसर है तो उसको क्वाड कोर सीपीयूस कहेंगे. और हाई एंड सीपीयूस मे हैव सिक्स हेक्सा कोर और इवन एट ऑक्टो कोर प्रोसेसर्स. और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े सीपीयूस है उसमें तो छः छः प्रोसेसर होते हैं, यहाँ तक कि आठ आठ प्रोसेसर भी उसके अंदर होते हैं. तो छः प्रोसेसर वाले को हेक्सा कोर बोलते हैं और आठ प्रोसेसर वाले को ऑक्टो कोर बोलते हैं.
तो एक कंप्यूटर में ऑल्सो हैव मोर देन वन सीपीयू, तो एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा सीपीयू भी हो सकते हैं, और हर सीपीयू जो है, हर एक सीपीयू में मल्टीपल कोर्स भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज सीपीयू वर्क, सीपीयू कैसे वर्क करता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीपीयू एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूजर और ए सीक्वेंस ऑफ स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस दैट इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। तो सीपीयू क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, जब यूजर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, दैट मींस कि एक यूजर सिस्टम पे बैठ करके कीबोर्ड से जब कुछ भी टाइप करता है, तो उस लिखे हुए को सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, मतलब उसको प्रोसेसर के अंदर ले जाता है, और प्रोसेसर के अंदर जो है एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, उसके अंदर सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और उसके अंदर सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जिसको मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी का मतलब स्पेस प्रोवाइड करने का काम होता है। तो जब एक यूजर इनपुट से कुछ भी टाइप करता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू प्रोसेसर के अंदर लाता है, और प्रोसेसर के अंदर फिर क्या टास्क परफॉर्म होना है वो वहीं से डिसाइड हो करके उसका आउटपुट जो है मॉनिटर पे आ जाता है। तो ये तो बात हो गई, जब यूजर कुछ भी टाइप करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन टाइप करता है, तो वो प्रोसेसर उसको आगे बढ़ाता है, सीपीयू उसको आगे बढ़ाता है, और प्रोसेसर उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करता है। इसी तरीके से अगर हम कोई प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो उस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, तो सेव करने के बाद वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे जा करके उस प्रोग्राम या वो प्रोग्राम जिस फाइल में बनी है वो फाइल सेव हो जाती है, और उसके बाद जब उस प्रोग्राम को या उस फाइल को ओपन करते हैं, तो वो जो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो प्रोग्राम खुलता है, और खुलने के बाद वो प्रोग्राम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से उस प्रोग्राम को, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बिट बाय बिट जो है वहां से उठा करके प्रोसेसर में ले जाता है, और प्रोसेसर फिर उस पे टास्क परफॉर्म करता है। लेट सपोज अगर प्रोग्राम में हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करा रहे हैं, तो सीपीयू क्या करेगा, बिट बाय बिट रैम से उस प्रोग्राम के डेटा को निकाल करके प्रोसेसर में ले जाएगा, और प्रोसेसर उस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट को एज एन आउटपुट मॉनिटर पे भेज देगा। तो यहाँ पे कह रहा है टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, लेट सपोज हमें कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो प्रोग्राम कोड इज कॉपीड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द मेन मेमोरी। तो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो वो प्रोग्राम या फाइल अभी हमने सेव कर रखी है, तो वो सेव कहाँ पे हुई है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से उस प्रोग्राम को निकाल करके उसको कॉपी कर देगा कहाँ पे, मेन मेमोरी रैम के अंदर कॉपी कर देगा, और रैम के अंदर कॉपी करने के बाद फिर देन नियरली ऑल सीपीयूज, फिर सबके सब जितने भी सीपीयूज हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट स्टेप्स इन देयर ऑपरेशंस। तो अपने ऑपरेशन में वो फेच स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इसके बाद फिर डिकोड स्टेप को फॉलो करते हैं, और फिर एग्जीक्यूट स्टेप को फॉलो करते हैं, और फाइनली फिर जो है आउटपुट पे एज एन रिजल्ट को एज एन आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब एक सीपीयू रैम से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है निकालता है सीपीयू, तो उसको निकालने के बाद उस पे फेच ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डिकोड करता है उसको, फिर एग्जीक्यूट करता है,
तो ये फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट वाला जो स्टेप है, इसी को इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं। तो विच आर कलेक्टिवली नोन एज द इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं। तो अब एक एक करके समझते हैं कि फेच वाले स्टेप में सीपीयू क्या करता है, फिर डिकोड वाले स्टेप में सीपीयू क्या करता है, फिर एग्जीक्यूट कैसे करता है, और फाइनली रिजल्ट को स्टोर कैसे करता है। तो सबसे पहले फेच वाले स्टेप में देखते हैं, द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। तो जो इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से ला करके जो है मेन मेमोरी में जो रखा जाता है, तो उस मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फिर क्या किया जाता है, ब्रोड किया जाता है, लाया जाता है कहाँ पे, एक अप्रोप्रिएट रजिस्टर में लाया जाता है। तो सीपीयू के अंदर सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, उसके अंदर फिर एक एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और उसके अंदर सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी से ला करके अप्रोप्रिएट रजिस्टर में रखा जाता है, और ऑल दिस हैपन्स अंडर द कमांड्स फ्रॉम कंट्रोल यूनिट। और सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है, उसी के आदेश पर, उसी के कमांड पर जो है ये सब घटित होता है। दैट मीन्स कि कंट्रोल यूनिट के कमांड पर ही जो है इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से रजिस्टर में लाया जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी टू ए रजिस्टर इज कॉल्ड फेच साइकिल। तो फेच साइकिल किसको कहते हैं, जब कंट्रोल यूनिट के कमांड से, कंट्रोल यूनिट के आदेश से, जब मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में लाया जाता है, तो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में लाने वाली जो प्रक्रिया होती है, लाने वाला जो प्रोसेस होता है, उसी को फेच साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट है डिकोड। वंस द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, और एक बार जब इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में फेच कर लिया जाता है, द सीयू कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शन बाय एनालाइजिंग दी ऑप कोड। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको डिकोड करता है। किसको डिकोड करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। कैसे डिकोड करता है, बाय एनालाइजिंग दी ऑप कोड। ऑप कोड का मतलब ये है, आगे के स्लाइड में हम देखेंगे ऑप कोड क्या है। तो ऑप कोड का मतलब ऑपरेशन कोड, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उस ऑपरेशन कोड को एनालाइज करके इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डिकोड करता है। और डिकोड करने का जो मतलब है, डिकोडिंग करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। तो डिकोड करने का मतलब है एक्टिवेटिंग द एप्रोप्रिएट सर्किट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डिकोड साइकिल। तो डिकोड करने का मतलब ये है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मदरबोर्ड के अंदर जो कॉपर में इलेक्ट्रिकल पाथ जो बने होते हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल पाथ में किस किस पाथ को एक्टिवेट करना है, वो काम डिकोड वाले स्टेप में होता है। तो ये जो डिकोड करने का जो काम है, इसी को डिकोड साइकिल भी बोलते हैं। तो द इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन मीन्स डिकोडिंग, द इंस्ट्रक्शन मीन्स एक्टिवेटिंग द अप्रोप्रिएट सर्किट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिकोड साइकिल। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को जो है डिकोड करता है। कैसे डिकोड करता है, ऑपरेशन कोड को एनालाइज करके उसको डिकोड करता है। और डिकोड करने का मतलब ये है कि जो है अप्रोप्रिएट सर्किट या फिर इलेक्ट्रिकल पाथ जो मदरबोर्ड में होते हैं, वो कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पाथ को एक्टिवेट करना है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए, वो डिकोड करना माना, उसको डिकोड करना कहते हैं। नेक्स्ट जब डिकोड हो जाता है, तो फिर एग्जीक्यूट करता है सीपीयू, फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट करता है उसको।
तो द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन बाई ए एल यू इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एग्जीक्यूट साइकिल। तो फेच वाले स्टेप में क्या हुआ कि मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में लाया गया। डिकोड वाले स्टेप में क्या हुआ, जब रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन आ गए तो उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिकल पाथ को एक्टिवेट कर दिया कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पाथ एक्टिवेट होंगे जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और एग्जीक्यूशन वाले स्टेप में क्या होता है कि जो सीपीयू के अंदर ए एल यू वाला जो पार्ट होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट वाला जो पार्ट होता है, वो क्या करता है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो इसी को एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। और फाइनली जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो भी रिजल्ट आता है, तो स्टोर वाले स्टेप में क्या होता है, फाइनली रिजल्ट को स्टोर कर दिया जाता है कहाँ पे, उसी रैम में, उसी मेमोरी में जिसको हम रैम कहते हैं, उसी रैम में ले जा करके फाइनली स्टोर कर दिया जाता है। तो ये था, ये तो था कि सीपीयू कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे असेंबली लैंग्वेज में, और वो जो प्रोग्राम होगा वो होगा दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो उस दो नंबर को ऐड करने के लिए जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे कैसे उन दो नंबर्स को फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके फाइनली दो नंबर को ऐड करने का करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फाइनली कैसे एज एन आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को राइट करो, लिखो टू ऐड टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड करने के लिए इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। तो दो नंबर को ऐड करने के लिए जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि हम तीन वेरिएबल लेते हैं, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, अपने कीबोर्ड से कोई भी एक वैल्यू प्रेस करेगा, तो उसे हम एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, और फिर यूजर उस वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ ऐड करने के लिए एक वैल्यू और प्रेस करेगा, तो उसे हम y की वैल्यू मान लेते हैं। और इस तरीके से x और y की वैल्यू को ऐड करके हम z वाले वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, और z वाले वेरिएबल में जो वैल्यू ऐड होकर के आई है उस z वाले वेरिएबल को फिर हम जा करके रैम में ले जा करके फिर छोड़ देते हैं, तो वो वैल्यू हमें दिखाई दे जाती है, मतलब दो नंबर को ऐड करके जो रिजल्ट आता है वो हमें मॉनिटर पे दिख जाता है। तो इस दो नंबर को ऐड करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे सीपीयू के अंदर, सबसे पहले एक्स की वैल्यू को लोड करेगा, फिर वाई की वैल्यू को लोड करके फिर उसको ऐड कर देगा उसी टाइम, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको जेड में ले जा करके स्टोर कर देगा। और यहाँ पे अगर हम सोर्स कोड की बात करें, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो लॉजिक वाला पार्ट है ये कंप्यूटर के रैम में किस तरीके से काम करेगा, तो ये लोड करेगा चार नंबर वाले एड्रेस पे, फोर नंबर वाले एड्रेस पे, ऐड करेगा फाइव नंबर वाले एड्रेस पे, स्टोर करेगा सिक्स नंबर वाले एड्रेस पे। तो इसका जब हम डायग्राम के थ्रू जब समझेंगे तब समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि दो नंबर को ऐड कैसे करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वर्किंग ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू का जो है इंटरनल वर्किंग कैसे होता है वो देखेंगे हम इस स्लाइड में। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में या सीपीयू में जो प्रोसेसर होता है उस प्रोसेसर में जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो उस प्रोसेसर के अंदर जो है सबसे पहले एक सीयू होता है जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं,
और दूसरा जो है वो होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो जो मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशंस वगैरह कराता है, तो वो होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की वजह से। और थर्ड जो होता है उसको सेट ऑफ रजिस्टर्स बोलते हैं, तो सेट ऑफ रजिस्टर्स का मतलब है सेट ऑफ मेमोरीज, जो जब डेटा की इंटरनल प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर तो उसको स्पेस प्रोवाइड कराता है। तो सेट ऑफ रजिस्टर्स के अंदर अक्यूमुलेटर होता है आपका, और प्रोग्राम काउंटर होता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, और मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है। तो अक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये सारे के सारे जो है क्या है, ये सारे के सारे सेट ऑफ रजिस्टर्स है। अब यहाँ पे हमारे पास मेमोरी है, और मेमोरी का मतलब है रैम। रैम का सीपीयू के साथ इंटरेक्शन होता है, तो कैसे इंटरेक्शन होता है, तो इसके पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे असेंबली लैंग्वेज में। तो दो नंबर को ऐड करने का जो मैंने प्रोग्राम टाइप किया था तो उसको कोड बोलते हैं, प्रोग्रामिंग कोड बोलते हैं, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है आपका जो है मेमोरी में आएगा, और मेमोरी में आ करके पूरा का पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आ करके एलोकेट हो जाएगा, और वो दो नंबर को ऐड करने का जो आपका प्रोग्राम है वो मेमोरी में कुछ इस तरीके से एलोकेट होगा। इसके लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड एड्रेस बनेगा, और जो है राइट हैंड पे एक ऑप कोड बनेगा, और जितने भी हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में लिखे हैं, जितने भी हमने इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में लिखे हैं वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जो है ऑप कोड वाले पार्ट में, जैसे कि लोड 4, ऐड 5, स्टोर 6, और 3 जो है एक्स की वैल्यू है, 6 जो है वाई की वैल्यू है, यूजर अपने कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू प्रेस कर सकता है तो वो एक्स की वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पे यूजर ने प्रेस किया है 3 जो कि एक्स की वैल्यू है, और यूजर अपने कीबोर्ड से कोई भी दूसरी वैल्यू प्रेस कर सकता है ऐड करने के लिए, तो उसको वाई की वैल्यू बोलेंगे। तो 6 यहाँ पे वाई की वैल्यू है। तो आपका सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी में लोड 4, ऐड 5, स्टोर 6, 3 6 के फॉर्म में सारा एलोकेट हो गया है, और इसके लेफ्ट साइड में उसकी एड्रेस वगैरह जो है बन गई है। तो यहाँ पे तो हमें हमारे सामने ये रीडेबल फॉर्मेट में है, मतलब हमें हम इसको पढ़ पा रहे हैं, बट मेमोरी के अंदर ये 0 1 बिट के फॉर्म में सारा एलोकेट होता है। तो अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो इस प्रोग्राम में जो पहला इंस्ट्रक्शन है आपका लोड 4। तो लोड 4 का जो एड्रेस है 1, ये 1 एड्रेस सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रोसेसर में जो है प्रोग्राम काउंटर वाले रजिस्टर में जाएगा, तो एड्रेस 1 यहाँ पे आ जाएगा। और जब जो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस आता है वही एड्रेस आपका जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भी 1 ही आएगा। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 1 पे क्या डेटा पड़ा हुआ है उसको लोड कर देगा मेमोरी डेटा रजिस्टर में। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 1 1 जो है उस 1 एड्रेस पे जब हम जाएंगे तो डेटा जो है वो है लोड 4। ऑप कोड ऑपरेशन कोड जो है वो लोड 4 है, तो लोड 4 को क्या करेगा मेमोरी डेटा रजिस्टर में डाल देगा। तो यहाँ पे L का मतलब है लोड, और 4 का मतलब है कि लोड 4, ये ऑप कोड, ये ऑपरेशन कोड पूरा का पूरा उठा करके मेमोरी डेटा रजिस्टर में डाल देगा। और जो मेमोरी डेटा रजिस्टर में जो होता है वही आपका आगे प्रोसेस होता है प्रोसेसर में, तो वो जाता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में।
तो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपका अगेन आएगा लोड 4, और लोड 4 करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आने के बाद ये प्रोसेस करके जाएगा किसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास। तो कंट्रोल यूनिट के पास भी आपका लोड 4 ही आएगा। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, सीधे मेमोरी पे जाएगा और लोड 4 करवा देगा, यानी कि लोड करवाएगा 4 एड्रेस को। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट जो है ऑपरेशन कोड पे आया, लोड 4 पे आया, और लोड 4 पे आ करके इसने क्या किया, जो 4 है, 4 नाम का जो एड्रेस है ये वाला, इसको उठा करके ये क्या करेगा, ये डाल देगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। तो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो है ये 4 आ जाएगा आपका, और फिर 4 एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है, 3 वैल्यू है, इस 3 वैल्यू को उठा करके मेमोरी डेटा रजिस्टर में डाल देगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर में डाल देगा, और यही मेमोरी डेटा रजिस्टर की जो 3 वैल्यू है ये उठ करके एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि लोड 4 वाला जो ये है प्रोग्राम का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से जो है प्रोसेस होगा। इसके बाद अब जो है हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन 2 जो है हमारा वो है ऐड 5। ऐड 5 को ये कैसे प्रोसेस करेगा, तो पहले इसको हटा लेते हैं, ये मैंने हटा दिया। ऐड 5 में क्या होगा, अब प्रोग्राम काउंटर, ऐड 5 में क्या है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पहले 1 थी, अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो 2 हो जाएगी तो जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी वो 2 एड्रेस 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और वही एड्रेस 2 वैल्यू जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जा करके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 2 पे जा करके मेमोरी एड्रेस 2 पर जो है वो है ऑप कोड, मेमोरी एड्रेस 2 यहाँ पे है, और इस पे जो है वैल्यू जो है वो है ऐड 5, ऑपरेशन कोड जो है वो है ऐड 5। तो ऐड 5 को उठा करके डाल देगा मेमोरी डेटा रजिस्टर में। तो ये मैंने प्लस का साइन बना दिया, इसका मतलब है ऐड और ऐड 5, यही प्लस ऐड जो है, ऐड 5 जो है ये उठ करके जाएगा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये मैंने ऐड 5 कर दिया, और फिर फाइनली यही ऐड 5 जो है, प्लस 5 जो है, ये आपका जाएगा कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में जाएगा, और जाने के बाद जो है कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ऐड 5, ऐड 5 ऑपरेशन कोड पे जाएगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट यहाँ पे आएगा, और 5 जो है, 5 वाला एड्रेस जो है ये 5 वाला एड्रेस जो है इसको उठा करके रख देगा कहाँ पे, रख देगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। और फिर यही मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 5 पे क्या पड़ा हुआ है, कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, उसको उठा करके रख देगा मेमोरी डेटा रजिस्टर में। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 5, मेमोरी एड्रेस 5 पे जो है 6 की वैल्यू पड़ी हुई है, तो 6 को उठा करके इसमें डाल देगा यहाँ पे, और 6 को यहाँ पे डालने के बाद फिर एक्यूमुलेटर में ये उठ करके 6 आ जाएगा आपका, और पहले जो 3 वैल्यू थी वो 3 वैल्यू आपकी चली जाएगी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो जो 6 है इस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इस पर ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये 6 जो है यहाँ पे ऐड हो करके, यहाँ पे ऐड हो करके जो इसकी 9 वैल्यू है वो 9 वैल्यू को अगेन इस एक्यूमुलेटर में डाल देगा। तो इस तरीके से जो है दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगी। और इसके बाद अब देखते हैं
कि थर्ड इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो थर्ड इंस्ट्रक्शन में स्टोर 6 ये वाला इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट होगी। तो कैसे होगी वो देख लेते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अब 2 की जगह पर 3 हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर का मतलब है एक हमेशा इंक्रीमेंट करते रहना। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो अब जो है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। तो जो प्रोग्राम काउंटर यानी कि जो 3 एड्रेस है स्टोर 6, ये 3 एड्रेस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। और यही 3 एड्रेस जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भी यही 3 आएगा। और इसके बाद इस 3 एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको उठा करके मेमोरी डेटा रजिस्टर में डाल देगा। तो मेमोरी 3 पे जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है स्टोर 6। तो स्टोर 6 को जो है यहाँ पे डाल देगा, ST का मतलब है स्टोर, और यहाँ पे डाल देगा 6। और यही स्टोर 6 जो है आपका करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ST और 6, और फिर आगे प्रोसेस होने के लिए यही ST स्टोर 6 जो है आपका कंट्रोल यूनिट में जाएगा, ST और जो है 6। उसके बाद जो है कंट्रोल यूनिट देखेगा कि ST6 आया है इसके पास, स्टोर 6 आया है इसके पास। तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी के पास जाएगा और स्टोर 6 को रीड करेगा। और स्टोर 6 को रीड करने के बाद जो ये 6 एड्रेस है ये वाला, इस 6 एड्रेस को ले जा करके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डाल देगा। तो यहाँ पे डाल देगा ये। और इसके बाद इस 6 के ऊपर जो वैल्यू है उस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे डालेगा, लेकिन यहाँ पे स्टोर कराना है तो यहाँ पे 0 है, अभी यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो क्या परफॉर्म करना है, स्टोर करने का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो हमने 6 और 3 और 6 को जो हमने ऐड किया था, जो वैल्यू 9 आई थी हमारी, इस 9 को उठा करके, स्टोर का मतलब है इस 9 को उठा करके यहाँ पे रख देगा, यहाँ पे 9 को उठा करके रख देगा। और फिर ये 9 जो है आपका इस 0 वाली वैल्यू पे आ जाएगा, यानी कि आपकी मेमोरी में जो है 3 + 6 को ऐड करके 9 आपकी मेमोरी में एज ए रिजल्ट ये शो करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो नंबर को जो है ऐड करते टाइम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दो नंबर को किस तरीके से ऐड करके उसका रिजल्ट जो है मेमोरी में प्रोवाइड कर देता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखेंगे कि इग्नू कंप्यूटर साइंस में जो है CPU के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो BCA फर्स्ट सेमेस्टर BCS011 जिस सब्जेक्ट का कोड है उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या पर्पस है। तो आपको फेच बताना है, डिकोड बताना है, एग्जीक्यूट बताना है और स्टोर बताना है। तो इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए CPU। एक CPU का कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कंपोनेंट्स में आपको बताना है CU, कंट्रोल यूनिट, और इसके बाद आपको बताना है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और सेट ऑफ रजिस्टर्स बताना है जिसमें आपको बताना है एक्यूमुलेटर के बारे में, और जो है प्रोग्राम काउंटर के बारे में बताना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में बताना है, मेमोरी एड्रेस और मेमोरी डेटा रजिस्टर के बारे में बताना है। तो व्हाट इफेक्ट डिड इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी हैड ऑन द CPU। तो ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का CPU के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो ये आप थोड़ा सा बना करके लिख सकते हैं।
तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है इग्नू में जून 2013 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कंपोनेंट्स, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस है वो बताना है। ये 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है जून 2016 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू। सीपीयू के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इच कंपोनेंट। इच कंपोनेंट का रोल बताना है, यानी कि सीयू के बारे में बताना है, एएलयू के बारे में बताना है और सेट ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बताना है। हाउ इज ए सीपीयू इंटरफेस विद मेमोरी एक्सप्लेन, और सीपीयू मेमोरी के साथ कैसे इंटरफेस करता है वो बताना है। तो इसमें आपको स्पेशली रैम के बारे में बताना है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रैम में जो है एलोकेट जो हो जाता है उसके बारे में बताना है, और जो है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में बताना है, और MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर के बारे में बताना है। और ये जो है 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2017 में। नेक्स्ट जो है व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू क्या है, तो मेरे वीडियोस को देख करके आप सीपीयू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर्पस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आप फेच के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, डिकोड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एग्जीक्यूट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और स्टोर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू में आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में बताना है जो कंट्रोलिंग का काम करता है। ए एल यू के बारे में बताना है जिसका मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें इसमें जो है मैथमेटिकल फंक्शन सारे परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल फंक्शन सारे परफॉर्म होते हैं। सेट ऑफ रजिस्टर्स में प्रोग्राम काउंटर है, तो पीसी का मतलब जो होता है एक वैल्यू को हमेशा इंक्रीमेंट करना। एक्यूमुलेटर का मतलब होता है जो फाइनल वैल्यू को स्टोर करके रखना। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब होता है कि कंट्रोल यूनिट में जाने वाले वैल्यू को स्टोर करके रखना। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब है कि रैम में एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखना। और मेमोरी डेटा रजिस्टर का मतलब है कि एक्चुअल डेटा को स्टोर करके रखना। नेक्स्ट जो है वो है हाउ इज सीपीयू इंटरफेस विद मेमोरी। तो सीपीयू मेमोरी के साथ इंटरफेस कैसे करता है, तो रैम के बारे में थोड़ा सा बताना है कि रैम में जो है दो पार्ट होते हैं, एक जो है ऑपरेंड एड्रेस वाला पार्ट होता है और एक ऑपरेशन कोड वाला पार्ट होता है। तो एड्रेस वाले साइड में जो है सारे एड्रेस वैल्यू स्टोर हो जाती है, और ऑपरेशन कोड वाले में आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो है वो एलोकेट होता है, लेकिन बिट के फॉर्म में, 0 1 के बिट के फॉर्म में एलोकेट होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में बताना है कि रैम में जो मेमोरी की जो एड्रेस की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है, और MDR में मेमोरी डेटा रजिस्टर में एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। और CPU बस के बारे में भी बताना है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बस भी होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल पाथ CPU के अंदर जो है डेटा के ट्रांसफर करने के लिए जो है इलेक्ट्रिकल पाथ भी होते हैं इसके अंदर, जिसको CPU बस बोलते हैं। तो जैसे CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट है, सेट ऑफ रजिस्टर्स है, आपका ALU है, तो ये सब जो है बस सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं। इलेक्ट्रिकल पाथ से ये सारे जुड़े हुए होते हैं, और फाइनली फिर मेमोरी वाले पार्ट से भी ये जुड़े हुए होते हैं। तो डेटा बस जो है, अगर डेटा स्टोर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रजिस्टर वगैरह में, तो वो डेटा वाले इलेक्ट्रिकल पाथ से डेटा फेच होकर के आएगा। एड्रेस बस से एड्रेस वाले इलेक्ट्रिकल पाथ से एड्रेस वैल्यू उठ करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रजिस्टर वाले पार्ट में स्टोर होगा। और कंट्रोल बस का मतलब है कि कंट्रोलिंग वाला जो इलेक्ट्रिकल पाथ बने होंगे, तो उसी पाथ से CU कंट्रोल यूनिट से कंट्रोलिंग वाला सारा फंक्शन परफॉर्म
होगा। तो यहां तक हमने ये देखा है कि इग्नू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, तो उसका आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो थैंक यू।